ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मम्मा जैसे दिखाया है अपने संगम पर कि सरस्वती गुप्त है, दो नदियां तो दिख रही हैं, गंगा जमुना पर सरस्वती गुप्त है। वास्तव में मम्मा का हर बात गुप्त होता था। जैसे कोई डिस्टर्ब है, मम्मा से बात कर रहा है, तो मम्मा उसकी बात को सुन करके समा लेती थी। जैसे गुप्त कुछ सुना ही नहीं है, है ही नहीं। और कभी भी किसी को ये नहीं कहती थी, देखो ये डिस्टर्ब है या कोई बात है, केवल वो जाने और मम्मा जाने। तो इसलिए शायद सरस्वती को गुप्त रीति से दिखाया। और मम्मा कभी भी अपना किया हुआ वर्णन नहीं करती थी। मम्मा बहुत ही आत्म अभिमानी, अशरीरी, अव्यक्त रूप से। एक बार मम्मा बेंगलोर गई थी सेवा पर, जब बेंगलोर से लौट करके आई तो बाबा ने कहा, मम्मा तुम इतनी प्रजा बना करके आई हो तो कितके खाते में जाएगा, तुम्हारे कोई श्रेय है इतनी सेवा किया है, और बाबा तो यहाँ बैठा हुआ है। तो मम्मा ने कहा, नहीं बाबा, मेरी प्रजा नहीं है, वो आपके ही राज्य में आएगी, आप विश्व महाराजन बनेंगे तो मेरी बनाई हुई प्रजा भी आपके ही राज्य में आएगी, मेरी नहीं है। इस तरह से मम्मा जैसे कोई अभिमान नहीं कि मैंने इतनी सेवा की, इतने अच्छे को निकाला। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं है, अगर मेरे हिस्से में आएगी, मैं विश्व महाराजन बनूँगा, तो मम्मा आप विश्व महारानी बनेंगी। तो कहा गया है कि राज राजा का और हुकुमरानी का, तो हुक्म तो मम्मा आपका ही चलेगा सतयुग में। तो ऐसे चिटचैट मम्मा बाबा की चल रही थी। पर मम्मा को कभी नहीं कि मैंने सेवा किया तो कोई मान हो, मेरा नाम हो या मान शान का कुछ हो, नहीं, या कोई मुझे महिमा करे कि मम्मा बहुत सेवा करके आई है। तो इतनी निरहंकारी मम्मा थी।